नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे अगर आप SBI की नई नेट बैंकिंग लेते हैं तो उसमें कुछ दोस्तों को हमारे को दिक्कत आती है, उसमें हमारा अकाउंट शो नहीं करता है। तो उसके लिए एक पहले ही एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अपना अकाउंट को अनहाइड करते हैं। वो वाली प्रॉब्लम अलग है। आज हम बताएंगे अगर आपको उसमें आ रहा है कि आपको टिकट लॉन्च करना है तो उसके लिए आप कैसे करते हैं, तो वो हम बताएंगे। अगर वो अनहाइड करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो आप कैसे उसे उसके लिए कंप्लेन कैसे करते हैं। तो पहले लॉगिन में जाएंगे, हम लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट खुलेगा। तो इसमें अकाउंट में जब हम देखते हैं तो इसमें बताता है नो अकाउंट मैप। सो आपको बता रहा है कि टिकट के अंदर जाके अदर्स टैब में कस्टमर केयर के अंदर आपको एक कंप्लेन फ़ाइल करनी है। ये कंप्लेन आपकी 48 आवर्स में आपकी वो हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये कंप्लेन फ़ाइल कैसे करते हैं SBI में, और ये बिल्कुल सही तरीका है। इसके लिए अब आपको जाना पड़ेगा सबसे ऊपर, यहाँ कस्टमर केयर टैब लिखा है, ये देखिए। तो ये लिखा था ना, इसके ऊपर कस्टमर केयर टैब के अंदर अदर्स में टिकट के अंदर आपको टिकट वो करना पड़ेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे कस्टमर केयर के ऊपर यहाँ पर, और ये देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। ये पहले वाला ऑप्शन आ रहा है कि कंप्लेन बुक करने के लिए, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है आपके पास स्टेटस जानने के लिए। जब आप कंप्लेन बुक कर देंगे तो अगली बार आप जब लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ से स्टेटस भी जान सकते हैं अपना, टिकट नंबर डाल के। तो यहाँ से ये क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो यहाँ पे ये देखिए फॉर्म आ गया है। ये आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जैसे कस्टमर यहाँ पे एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर हैं आप, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, जो भी है आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। और फिर उसके बाद आपको कंप्लेन लिखनी पड़ेगी, नेम ऑफ कंप्लेन जो कुछ भी है। फिर ब्रांच भी डालना पड़ेगा आपको, और उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी है आपकी। तो इसके लिए अभी हम इसको हटा देते हैं क्योंकि आपको मैं अकाउंट नहीं दिखा सकता आप ना। तो आप ये देखिए, इसमें आपको करनी पड़ेगी सिलेक्ट, ये देखिए ये, इसमें तो आप सेलेक्ट करेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बैंकिंग, ये देखिए ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है इंटरनेट बैंकिंग का। फिर इसके बाद सेलेक्ट करेंगे आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ऑनलाइन अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये आपकी या ऑनलाइन बैंक प्रोफाइल जो है ये आपकी शो नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको ये देखिए, फिर आपको सेलेक्ट करना है अनेबल पासवर्ड थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे प्री लॉग इन कंप्लेन में, ठीक है। मोबाइल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड पर नॉट फंक्शनल, ये देखिए ये ऑप्शन आ गया आपका, ट्रांजैक्शन नाइट नॉट गिवन। ये देखिए ये आ रहा है इसमें ऑप्शन, कैन नॉट सी अकाउंट, अकाउंट नॉट मैप इन IMB, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है इसमें, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको टेक्नोलॉजी इंटरनेट बैंकिंग के अंदर प्री लॉग इन कंप्लेंट्स यहाँ ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैन नॉट सी अकाउंट, अकाउंट मैप, तो इसमें आपको अब यहाँ पे आपको वही सेम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, I am unable to see my account after login. सो ये करने के बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड इसमें डालना है W2, ये आपको इसका ध्यान रखना है किस उसमें दे रखा है, कैपिटल में स्मॉल में। इसके बाद सबमिट करेंगे तो आपको एक टिकट नंबर मिलेगा, टिकट नंबर आपको सेव करके रखना है जिससे आप अपनी कंप्लेन को फिर दोबारा से यहाँ पे आके आप जो कंप्लेन चेक कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है, इसके कंप्लेन लिखवाने के 48 घंटे बाद आपकी नेट बैंकिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके हेल्पफुल रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी जो वीडियो है उसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।